नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सुबह से पहली वीडियो जहां पे कुछ पॉजिटिव चीजें मैं आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं। एक्चुअली मैं बाजार आज मौका ही नहीं दे रहा कुछ खास पॉजिटिव कवर करने के लिए। गिरते बाजार में भयंकर सेलिंग के बीच में दुनिया भर के बाजारों में बड़ी गिरावट के बाद कुछ स्टॉक्स अभी भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा राहत दे रहे हैं। ऐसे में कमेंट्स भी हैं कुछ कि क्या इन्हीं में खरीदारी की जाए, क्या फ्रेश बाइंग की जाए। कुछ तो गोट लिख रहे हैं, यानी ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स FMCG को गोट लिखा है एक बंदे ने, कमेंट किया था मैंने, इंटरेस्टिंग हाईलाइट हो गया वो कमेंट मेरी नज़रों के आगे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, पहले तो मैं मार्केट का अपडेट दे दूं। रिकवरी आई है बहुत ही प्यारी, लगभग 200 पॉइंट रिकवर कर गया है निफ्टी नीचे के लेवल से, बट ये रिकवरी टिकेगी नहीं, वो वॉलेटिलिटी है, रिकवरी नहीं है। और टिकनी होगी तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर जब बाजार निकलेगा। तो अभी बाजार क्या कर रहा है, बाजार नो ट्रेड में बैठा हुआ है अभी 24,100। मेरे लिए ऊपर 24,400 भी बहुत दूर है और 23,800 एग्जैक्टली 300 पॉइंट है, क्या कमाल बना है। 300 पॉइंट ऊपर में मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, 300 पॉइंट नीचे मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं बीच में खड़ा हूं। तो मेरे को देखना है पहले कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल की ज्यादा इंपॉर्टेंस बाजार में है। 24,400 को तोड़ तो दिया ही है, क्या उसके ऊपर निकलने में अब सफल होगा जल्दी से या नीचे ही रहेगा, क्या 23,800 का सपोर्ट बना रहेगा या ब्रेक हो जाएगा, तो ये अभी मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूं। इन दोनों लेवल्स में जब कोई छेड़खानी होगी तभी कोई एक्शन बनेगा, अभी तो कुछ भी एक्शन बन नहीं रहा है। बाकी बाजार में 24,200-250 तक रिकवरी आएगी, वो सेलिंग के रूप में यूज हो जाएगी, वो एक तरीके से आप कहोगे डेट कैट बाउंस पास, ठीक है। तो FMCG गोट ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, फार्मा गोट ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, क्या करें। देखो इन्हें कहा जाता है बाजार में डिफेंसिव स्टॉक्स, डिफेंसिव ये वो वाले डिफेंस नहीं, HALBEL वाले नहीं, ये डिफेंसिव यानी कि जब बाजार में गिरावट नहीं, जब भी देश भर दुनिया भर में अनिश्चितताएं होंगी तो ये स्टॉक आपके लिए फ्रंट फुट से आएंगे। मैं आपको कमाल का डेटा देता हूं एक, आपको कोविड, जो लोग बाजार में पुराने हैं कोविड याद है उन्हीं को समझ में आएगा ये एग्जांपल, और जो लोग नहीं है उन्हें मैं बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, जो जब लॉकडाउन लगा था मार्च का महीना था 2023 था, और उसी के आसपास अप्रैल मई में या मार्च में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2600 रुपए का हाई लगाया, तब भी इसी प्रकार के कमेंट थे, कोट कमेंट नहीं थे, मतलब लोगों के दिमाग में थॉट होंगे, सब कहते हैं यार हिंदुस्तान यूनिलीवर है ये तो चलता ही रहेगा, इसका कहाँ जाना है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतनी स्ट्रांग है, इनकी तो खपत कंटिन्यू है। एक्चुअली में तब कोविड में क्या हुआ कि लोग घर में बैठ गए तो ज़्यादा खा रहे थे, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, FMCG स्टॉक्स में अपने आप में बाहर आ गई। लेकिन जब वो खुला ना कोविड के बाद लॉकडाउन, वो 2600 रुपए का भाव दोबारा इन्वेस्टर्स ने अगले 3 साल नहीं देखा। अब कहीं जाके हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर ने आपको दोबारा 2700-2750 का भाव दिखाया है, 2750, ठीक है, 4 साल लगा दिए वो भाव निकालने में। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं, देखो ब्रिटानिया नेस्ले एक आउट परफॉर्मर रहे हैं हमेशा से, वो अच्छे गौर टाटा कंज्यूमर ये है भी यार, पर हिंदुस्तान यूनिलीवर खास प्रदर्शन रहा नहीं, इसमें मेरा बहुत भरोसा था स्टॉक पे, पर कंपनी की अर्निंग्स हर बार निराश कर देती हैं। मैं बोलना सिर्फ इतना चाहता हूं कि FMCG जो स्टॉक्स हैं, पर्टिकुलरली फार्मा नहीं केवल FMCG की बात करूं, ये आपके हमेशा खराब समय में खड़े उतरेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके लिए कुछ खराब नहीं हो सकता, ये इंडिया ड्रिवन कंपनियां हैं और ये खपत वाली कंपनियां, और हमारा देश 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो ये रोके ये इनकी खपत तो होनी होनी है। आजकल ऐसा मामला है कि सामान दुकान पे बाद में आता है, बिक पहले जाता है, खत्म पहले हो जाता है, जैसे ही आ रहा है वैसे ही गया, ये है। आपके घर में चीनी आई नहीं कि 4 दिन में खत्म, साबुन आया नहीं 4 दिन में खत्म, ये हाल है। तो वो कंज्यूम बहुत ज्यादा हो रही है चीजें, तो वो इसलिए आपके लिए उभर के आ जाते हैं मार्केट में इन पे लोग। अब देखो शेयर बाजार में पैसा है कहीं ना कहीं तो जाएगा, ऐसा तो नहीं सब बिक जाएगा घर में चला जाएगा पैसा, नहीं, शेयर बाजार का पैसा शेयर बाजार में घूमता है। तो ऐसे समय में बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्टॉक्स को उठाते हैं। लेकिन जब बाजार वापस से तेजी में आएगा ना, तो ये शेयर नहीं चलेंगे, तब चलेगा आपका वही जो गिर रहा है। तो मैं आपको अब कहना ही चाहता हूं, अगर आपके पास ये स्टॉक्स हैं तो आप सिर्फ तब तक ही रहिएगा जब तक आपको मार्केट में ग्लोबल अनिश्चितताएं दिखेंगी, परेशानी दिखे, दिक्कत दिखे, जो मेरे को लगता है मैक्सिमम लेवल पे ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। अब ऐसे टिप्पणी करना गलत है कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन, क्योंकि भगवान तो नहीं भाई, ठीक है। तो वो जो गिरावट है वो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कुछ समय की है, और रिसेशन की बात रही वो तो मेरे को लगता है कि एक फिजूल है। हाँ, इसराइल ईरान वाला मामला कितना गर्मी पकड़ ले वो देखने वाली बात होगी। तो मैं अभी आपके लिए बोलूंगा FMCG नो डाउट अच्छा कर रहा है, आप बैठो बने रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाजार में रिकवरी आए तेजी बनने लगे आपको लगे गिरावट खत्म, तो वो पैसा आप वापस से वहीं लगाना जहां पे ग्रोथ है और जो बाजार के साथ गिरे हैं, क्योंकि वहां पैसा फिर तेज बढ़ेगा। और मार्केट की रिकवरी बाउंस बैक की बात करूं तो आज तो आप उम्मीद मत करो कि भैया कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि
मैं अभी भी देख पा रहा हूँ निकाई जापान का बाजार 12.5% टूटकर बंद हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ साउथ कोरिया टूट रहा है, मैं देख पा रहा हूँ ताइवान टूट रहा है, सिंगापुर टूट रहा है, मतलब ग्लोबल मार्केट में कोहराम है। डाव फ्यूचर्स 2 दिन की गिरावट के बावजूद भी 2% नीचे दिख रहा है, नैसडेक फ्यूचर नीचे दिख रहा है, तो अपने भी थोड़ा सा डरे हुए हैं अभी तो। और मेरे को नहीं लगता कि इतने में इस गिरावट में कुछ ज्यादा भावुक मतलब ज्यादा एग्रेसिव बाइंग करने के बारे में सोचेगा। जापान जो इस समय पैसे को लेकर कंजर्वेटिव हो रहा है, उसका एक डेटा निकल के आया जो मैं डिटेल में बताऊंगा, लगभग 2 लाख करोड़ का भारत के बाजार में निवेश है उनका, तो वो सारी चीजें जरूर देखने वाली बात होंगी। अभी मैं जो कहना चाहता था वो इतना ही है कि FMCG नो डाउट अच्छा दिख रहे हैं, अभी डिफेंसिव है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट में रिकवरी आई तो ये स्टॉक नहीं चलेंगे, चलेगा वही जो गिर रहा है। तो अपना कैपिटल अगर आप स्विच करने जा रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के ही करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।